हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बाबाडू को मोई खेलता है वीडियो गेम्स। बाबाडू का दिल से स्वागत करता है इस चिरांत गेम में जिसका नाम है प्लैनेट क्राफ्टर। हम आ गए हैं खेलने के लिए एंड गेम। भाई एंड गेम चल रहा है ये प्लैनेट क्राफ्टर का, मैं पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बता दूं, है ना पुंत्र कह रहा हूँ भाई, पहले ही बता दो लोगों को ये चल रहा है भाई एंड गेम। एंड गेम में ऐसा ही होता है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम अपने बेस में रह के वो चीज़ें बनाते हैं जिस चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें आगे प्रोग्रेस करने के लिए वो चीज़ें चाहिए होंगी। एंड गेम में हम थोड़ा कम एक्सप्लोर करते हैं क्योंकि जनरली हमने आधी दुनिया देख रखी है, अभी फोकस जो है वो हमें चीज़ें बनाने का। क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मेरे को ये बनाना होगा, ठीक है, अगर मैं ये बनाना चाहूं अपने लिए टियर टू का एक्वेरियम, इसमें हम अंडे पंडे चाहिए, फोटो प्लैंक टंग जो भी है ये सब चाहिए, ये सब मुझे मेरा चाचा ला के नहीं देगा भाई, ये सब मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। और इसको बनाने के लिए मुझे अपना बेस बनाना पड़ेगा, ये बात मैं बहुत पहले क्लियर बता दो भाई। एंड गेम है ना, एंड गेम, लेट्स गो। एंड गेम खेलते हुए हमने भाई पिछली बार बहुत मेहनत के साथ ये बेस बनाया था, इस बेस में हमने काफ़ी ज़्यादा ये बढ़िया बटरफ्लाइज लगाई थी। अब बटरफ्लाइज का मैं सोच रहा हूँ आज हल्का अगर हमारे को मौका मिलेगा तो उसका कलर भी चेंज कर देंगे, दो बटरफ्लाइज का थोड़ा सा कलर चेंज कर देंगे तो बढ़िया सा लगेगा, टेंशन नहीं। डेकोरेशन वाली जो चीज़ है वो धीरे करेंगे। आई तक तुम्हारे भाई का बेस जबरदस्त शानदार। ठीक है जी, और ये है हमारा क्राफ्टिंग स्टेशन, यहाँ पे हमने ऑटोमेट करने की कोशिश की है हल्की सी, जैसे भी हमें कोई भी चीज़ चाहिए होगी हम यहाँ डालेंगे, अगर वो चीज़ अवेलेबल होगी किसी भी इसमें तो वो बना के, है फुंतरू कहाँ घूम रहे हो तुम, तो वो हमें बना के दे देगा हमारा ऑटो क्राफ्टर। आज हमने क्या करना है, आज हमने वो चीज़ें बनानी है जिन जिन चीज़ों से हमारा गेम आगे प्रोग्रेस करेगा। अगर मैं आपको इधर आगे प्रोग्रेशन दिखाया जाए, अपना प्रोग्रेशन जो है वो ऑक्सीजन हीट प्रेशर वाला जो है वो तो सब रुका हुआ है, मुझे पता है, उसको रुकने दो, क्योंकि टीयर 5 की चीज़ें अभी हमने ज़्यादा लगाई नहीं है, जैसे ही टीयर 5 लगाएंगे ये आसमान में चला जाएगा भाई। अभी हमारी स्टेज चल रही है मेंढक से लोमड़ी बनने में 93% पे चल रहा है, थोड़ा सा बचा है 7% का कुछ बचा हुआ है मामला, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा भाई हमारे यहाँ पे लोमड़ी पोमड़ी भी बननी शुरू हो जाएगी। अभी क्या है, अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रॉग्स हैं, फ्रॉग्स हमने पिछली बार लास्ट टाइम लगाया था, अब जरा चेक करके आए, इसमें भी थोड़ी सी सीढ़ी लगानी पड़ेगी। हाँ अगर हम इस तरफ आते हैं, इस तरफ हमने अपना एक फ्रॉग वाला सेक्शन लगाया था, उनसे भी मिल के आता हूँ भाई, कैसे हो, हाँ लेट्स गो। अरे भाई बच्चा कर लिया तुमने, अरे इतने सारे, ओ जब हम लगा के गए थे तो सिर्फ 3 थे भाई यहाँ पे, और अब देखो इतने सारे, ओ भाई साहब छोटू भी आ गया है अब, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अभी अगर हम यहाँ पे चेक करें, ये 200 वाला मल्टीप्लायर लगा हुआ है। हाँ भाई कितना बढ़ा रहे हो, कितने से बढ़ा रहे हो, अगर इसमें मैं एनिमल्स देखूं 1.65 केजी से बढ़ रहा है, ये 200% से बढ़ रहा है। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बताया, भाई मैं कमेंट सारे पढ़ता रहता हूं, तो भाई दिल खोल के कमेंट किया करो, जल्दी जल्दी से ड्यूक फैमिली लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। कुछ कमेंट आए थे कि इसको आप अपने बेस पे लगा के देखो और चेक करो कि क्या नीचे गिरता है फ्रॉग आसमान से अगर मैं लगाऊं, भाई इसको सिर्फ हम ज़मीन पर लगा सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं इस गेम में जो कि सिर्फ और सिर्फ ज़मीन पर लग सकती हैं, धरती पर लग सकती हैं और कहीं पर भी नहीं लग सकती। एक बार मैं ज़रा यहाँ आया ही हूँ तो इसमें ज़रा चेक कर लेते हैं, ये हमारा है भैया लाइफ जनरेटर, ओ ये भी तो होता है इसमें मामला, देखो अच्छा हुआ हम यहाँ टाइम पे आ गए। हमने क्या करना है, ये गलती नहीं करनी थी, हमने इसमें आईसी करके ये सारी चीज़ें दे देनी है जो मुझे लग रहा है इसमें उग सकती हैं। एक बार ज़रा वाटर भी दे दो, ठीक है, ये सारे अंडे हैं, फिश के अंडे हैं, हमने यहाँ से फिश के अंडे उठाए, 100% मल्टीप्लायर वाले अंडे हैं, और अंडों को उठा के हमने देखो यहाँ पे डिमांड सप्लाई दे दी ना, हाँ हमने यहाँ सप्लाई दे दी, ड्रोन को बोल दिया अगर इसमें कुछ भी होगा यहाँ पे, जैसे कि ये अंडे पंडे जितने भी हैं ड्रोन हमारा उठा के लेके आ जाएगा, ऊपर लेके आ जाएगा। एक बस ज़रा वापस भी पहुँच जाऊँ यार, हमें ना जो टेलीपोर्टर है उसको उठा के यहीं कहीं लगा देना चाहिए, 2-3 टेलीपोर्टर लगेंगे मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ, क्योंकि ये तो हमारा, अगर हम नीचे गिर जाएंगे यहाँ तो ऊपर पहुँचने के लिए हमारे पास यहाँ पर लिफ्ट है, लेकिन उस सेक्शन में लिफ्ट नहीं है, उस सेक्शन में भी लगानी पड़ेगी, जल्दी लगा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अपन यहाँ आए, हमारे ड्रोन्स जो हैं वो काम करने भी शुरू कर दिए। हाँ भाई इधर आने के साथ देखो यहाँ हमारा मछली वाला जो सेक्शन है, एग्स वाला सेक्शन इधर, ये तो इंजन वाला सेक्शन खुल गया। अभी हम हल्के से नए हैं भाई इस बेस में, तो हमें जनरली पता नहीं लग पाता कि कहाँ पर क्या क्या पड़ा। हाँ भाई इसमें हमने एक और चीज़ की डिमांड कर दी, फिश एग की यहाँ पर डिमांड कर दी, और यहाँ पर देखो हमारे ये ड्रोन्स है बहुत बढ़िया तरीके से ले के आके हमें दे दिया है सामान, और बहुत ही जल्दी ये जो है अलमारी ये भरने वाली है, इसकी भी अलग अलमारी करनी पड़ेगी। जल्दी से एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने लिए आज स्टार्टिंग में ही 2 ये बना डालते हैं भाई फिश वाले,
ठीक है जी, इसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट चाहिए, इसकी रिक्वायरमेंट एक बार सारा उठा लेता हूँ। हमने एक डंपिंग स्टेशन बना रखा है, एक डंपिंग स्टेशन में आए और ये सारा का सारा मामला हमने यहाँ डंप कर दिया। जितनी जितनी यहाँ पे चीज़ें लगी हुई होंगी, ड्रोन ने मतलब सेटअप करके रखा होगा, वो ड्रोन्स आएंगे और उठा के उन अलमारी में पटक देंगे। जो जो वहाँ पे एक्स्ट्रा पड़े हैं उनकी मतलब अभी तक अलमारी बनी नहीं है। हाँ भाई, स्टार्टिंग से लग जाते हैं। हमें दो चाहिए, सर्किट बोर्ड चाहिए। भाई सर्किट बोर्ड में ऐसा हो सकता है, हाँ हमारे पास थोड़े से हैं, हमें सर्किट बोर्ड की भी इधर हमें फार्मिंग करनी पड़ेगी या हमें क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी। ये कर सकते हैं कि बीच बीच में हम थोड़ा बहुत एक दो शिप में घूम के आएँ, दूसरे प्लैनेट पर घूम के आएँ और वहाँ से सामान ज्वाइन करके आ जाएँ, तो हमारे को थोड़ी सी और हेल्प होगी, या तो हमें फिर क्राफ्टिंग अपनी खुद से ही बनानी पड़ेगी। हाँ भैया, सुपर अलॉय रॉड हमने यहाँ से दो उठा ली। हमें ग्रीन वाला वो चाहिए फर्टिलाइज़र। अभी कोई भी चीज़ मैं अपने स्पेस पर बना नहीं रहा हूँ, सिर्फ हम ये सारी चीज़ें वो यूज़ कर रहे हैं जो हम एक्सप्लोरेशन से लेकर आए हैं। अभी तक कोई भी एक भी चीज़ का मैंने ऑटोमेट नहीं किया, जनरली करूँगा, बहुत जल्दी करूँगा। ओ, एक दो तीन चार और पाँच और छः, वेरी वेरी नाइस। ठीक है, और जितने अंडे थे हमने यहाँ से उठा लिए। हमें पता नहीं कि एक एक्वेरियम में एक अंडा लगता है या दो अंडे लगते हैं। एक बार ज़रा बाहर चलेंगे और एक्वेरियम बनाएंगे गाइस। थोड़ा थोड़ा मैं अपने गेम प्ले में भी और रूटीन में भी थोड़ा हल्का सा चेंज करने वाला हूँ भाई। अब मैं सिर्फ वही वाले गेम्स खेलने वाला हूँ जिसमें मुझे मज़ा आता है, क्योंकि अगर मुझे मज़ा आएगा तभी आप लोगों को मज़ा आएगा देखने में। अगर मुझे मज़ा नहीं आएगा ज़बरदस्ती में व्यूज़ के लिए, फिर मैं थोड़ा सोच रहा हूँ अभी, क्योंकि भाई अभी हम स्टेज में हैं, हम सोच सकते हैं, हम रिस्क वाले स्टेप्स ले सकते हैं, बट एक बार अगर चैनल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर हम इतना ज़्यादा सोच नहीं पाएंगे। तो हाँ, अगर कुछ गेम्स हैं जैसे मैं लास्ट फार्मर खेल रहा हूँ, वो यार ऐसी सी गेम लग रही है, वो ठीक ठीक गेम लग रही है, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा मुझे, ठीक है जी, और उसमें ज़्यादा कोई बढ़िया मेरे को फीडबैक भी नहीं मिल रहा। तो माइट भी ऐसा हो सकता है हम कोई और सी जॉम्बी गेम खेलें। जॉम्बी गेम्स मैं खेलता रहूँगा, जॉम्बी सर्वाइवल्स गेम चलती रहेंगी। माइट बी मैं सब नॉटिका खेलना वापस से शुरू कर दूँ, कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे जैसे होगा मैं आपको बता देगा। अभी हमें दो ये लगाने हैं, दो ये लगाने के लिए अभी हमें ये देखना है कि सबसे बेस्ट जो हैं ये किस तरफ लगेंगे। अगर मैं इन दोनों को कुछ इस टाइप से बना दूँ, अगर यहाँ पे एक इधर लग जाओ, लग जाओ लग जाओ लग जाओ, लगने से पहले एक काम करो, एक चीज़ और कर लेते हैं, ये बना लेते हैं थोड़े से। भाई बना ही रहे हैं अपनी बेस तो ज़बरदस्त बनाएंगे, ऐसी बनाएंगे कि मज़ा सा ही आ जाए देख के। क्या चाहे हमें दो या तीन बार वापस से बनाना पड़ जाए, उसकी टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन नहीं है भाई, मैं बनाएगा, क्योंकि हम अपनी बेस को शानदार ऐसी बनाना चाहता हूँ भाई मैं, कि ऐसी आपने आज तक मतलब ज़्यादा बड़े बोल नहीं बोलना चाहता, बट हाँ अपनी तरफ से जितनी मेहनत करके बढ़िया बना सकता हूँ उतनी मेहनत करके बनाना चाहता हूँ भाई। इधर आएंगे, इधर आने के साथ साथ ज़रा टाइटेनियम सा उठा ले, और टाइटेनियम उठाने के साथ हमने क्या करना है, देखो हमने ऐसे करके करना है, मैं सोच रहा हूँ यहाँ से एक ऐसे करके रास्ता निकाल दिया जाए, ठीक है। एक रास्ता यहाँ से निकाला हमने, एक रास्ता हमने ऐसे करके इधर आए, इधर आने के साथ साथ हमने एक रास्ता यहाँ से निकाल दिया, ठीक है जी। अब हमने ऊपर जाना है, ऊपर आए, ऊपर आने के साथ साथ यहाँ बाहर आए। अब देखो यहाँ पे हमारे पास दो सेक्शन आ गए, ठीक है जी। अब दो सेक्शन के बाद हमने क्या किया, हमने थोड़ी सी और मेहनत की, हमने मेहनत करने के साथ हमारी मेहनत कम पड़ गई भाई, हमें मेहनत और करनी पड़ेगी, हमारे मटीरियल्स ख़त्म हो गए। हम जल्दी से मटीरियल्स उठा के लेके आते हैं और फिर बनाते हैं। हम यहाँ आएंगे, आने के साथ साथ हमने यहाँ से उठाया भाई, ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा ये उठाया, और उठाने के साथ साथ थोड़ा सा टाइटेनियम और उठा लेते हैं। टाइटेनियम आ जाओ भाई, टाइटेनियम हमने यहाँ से इतना ज़्यादा टाइटेनियम उठाया, और जी अब हम वापस से बाहर जाएंगे, ठीक है भाई। अपन ने क्या किया, अपन ने थोड़ा सा सोचा और सोचने के साथ हल्का सा प्लान को किया मैंने चेंज। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर लगाऊँगा तीन एक्वेरियम्स, ठीक है जी। एक्वेरियम्स लग गया, एक्वेरियम नंबर वन लग गया, एक्वेरियम नंबर टू अगर यहाँ लगाने दे मुझे, और आज मैं लग जाऊँ भाई, एक्वेरियम नंबर टू यहाँ लग गया और एक्वेरियम नंबर थ्री यहाँ लगाऊंगा। सेम वे में वहाँ पे हम तीन बनाएंगे टी बार्क वाले सेक्शन, जिससे हमें टी बार्क मिलता है। बॉय गजब ही बेस बन जाएगा ये, जल्दी से और सामान लेके आते हैं। एक और अगर एक्वेरियम, अच्छा अभी हम बना नहीं सकते एक्वेरियम का एक और सामान, क्योंकि हमारे पास अंडे पंडे एक बार चेक कर लेते हैं, अगर आ गए होंगे ये रख के गए होंगे तो हम यहाँ से कर लेंगे। हमें तीन टाइप के चाहिए होते हैं, एक दो एंड तीन, वेरी वेरी नाइस। हम यहाँ से ये तीनों उठाया, उठाने के साथ हमें बस अब चाहिए ग्रीन वाला फर्टिलाइजर्स, द ग्रीन फर्टिलाइजर्स, वेयर इज द आरसीयू, ये रहा भैया ग्रीन फर्टिलाइजर हमने यहाँ से उठाया। हमें एक चाहिए सुपर अलॉय की रॉड, सुपर अलॉय की रॉड जो है हमने यहाँ से उठा ली, और हमें चाहिए भाई सर्किट बोर्ड्स, द सर्किट बोर्ड्स
बेस्ट आर्स टू यू। ये रहा भाई सर्किट बोर्ड हमने यहाँ से उठाया, अब हम वापस से ऊपर चले। ऊपर चलने के साथ साथ यहाँ सिल्क बना रहे हैं हम, बहुत जल्दी हम कारोबार। ए बेटे चटक गए बेटा यार, हाय यार, मैंने बनाने के चक्कर में हमने भाई ध्यान नहीं दिया, हमारा वाटर बहुत कम था, पानी से चटक गया भाई। कोई बात नहीं, अपने ही बेस पे थे, हमने अपना वापस से सामान सारा का सारा उठा लिया। अब जो है हमने यहाँ पे एक और जो है आई से करके बेस पे एक और लगा देंगे। ए लग जा भाई, देखो भाई गजब गजब ही गजब। ठीक है जी, यहाँ पे ये बना दिया, ये सिस्टम बना दिया। अब इसमें एक बार जरा अंदर से चल के देख के आते हैं कि कैसा लग रहा है। हम यहाँ आएंगे, आने के साथ साथ जरा इस पर चलेंगे, उड़ के आए इस तरफ आए, ये हमारा एक्वेरियम सेक्शन हो जाएगा। गजब गजब भाई गजब। और इसमें हमने तीन अंडे लेता है, ये हमने यहाँ तीन अंडे दे दिए इसको, साथ साथ इस वाले में आए, इस वाले में एक बार जरा कहाँ को देते हैं भाई अंडे। अरे ये क्या सीन है, अच्छा ये रहा। हम थोड़ा आगे निकल गए थे, हमने यहाँ पे भी तीन अंडे डाल दिए और अंडों को देखा भाई, मछली मछली जोल की रोनी एक जेब में डालने का कह रही है, कम पड़ गया पानी। और उसी के साथ साथ याद आ गई हमें अपनी नानी। आगे बढ़ते हैं, आगे इसमें भाई डाल दिए थे हमने, अब हमारे पास एक ही बचा, हमने यहाँ पे एक और डाल दिया। हम देखते हैं क्या पता इतने बीचों बीच हमने ये सब बनाया हमारे पास और अंडे आ गए, एक ही अंडा आया है, एक अंडे के साथ हम यहाँ आए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया, इतने मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सही लगना शुरू हो जाएगा अपना बेस। ठीक है जी, और ज़्यादा दूर भी नहीं है यहाँ से, हमें ज़्यादा भागना भी नहीं पड़ेगा, यहाँ पे हम अभी के अभी लगा देते हैं। एक बस ज़रा मेरे को शीशा दे दो भाई, शीशा शीशे के लिए हमने यहाँ कोबाल्ट उठाया थोड़ा सा, और कोबाल्ट के साथ हम वापस से यहाँ आए। यहाँ आने के साथ साथ एक शीशा, तब दो शीशा, तीन शीशा और तब चार शीशा। गजब गजब बेस गजब। ठीक है जी, यहाँ पे ये वाला सेक्शन बन गया है हमारा, बहुत बढ़िया तरीके से अब हम प्रोग्रेस कर रहे हैं भाई। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, हमें एक सेक्शन में ये भी लगाना है भाई बायोडोम, क्योंकि ये ज़रूरी पड़ता है। इस पर हम जाके देख सकते हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं वो खुली या नहीं खुली, क्योंकि बाकी मैं स्क्रीन्स देख रहा था, वो वाली स्क्रीन्स मुझे मिल नहीं रही है। तो जल्दी से इसका सामान उठा लेता हूँ, इसको बनाने के लिए मुझे लगेगा अल्यूमिनियम्स हमने यहाँ से उठाया। अल्यूमिनियम्स के साथ हमें लग रहे हैं तीन सुपर अलॉय हमने यहाँ से उठाए, और एक लग रहा है लिर्मा सीड भी हम काफ़ी कम उठा के लेकर आए, गड़बड़ हो सकती है लिर्मा सीड के लिए। हमने यहाँ से एक लिर्मा सीड उठा लिया, हमारे पास ऑलमोस्ट सब कुछ है। एक बार थोड़ा सा और आयरन उठा ही लेते हैं, जब हम बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा आयरन होना चाहिए अपने पास। ये एक्स्ट्रा आयरन है भाई, ये एक्स्ट्रा आयरन हमने सिर्फ बेस बिल्डिंग के लिए ही रखा है। हम यहाँ आने के साथ देखो अब हमने क्या किया, यहाँ पे सेम तरीके से एक और पहले तो ये लगाएंगे। ठीक है जी, एक और लगाने के बाद एक दो एंड तीन एक बार कैलकुलेशन कर लें भाई कि सब कुछ बराबर है ना। हाँ जी, अब हमने एक लगाना है यहाँ पे इस टाइप से, ये हमने लगाया, और लगाने के साथ अब हम साइड में जो है हम लगाने वाले हैं साइड में टी बार्क वाला, जो हमें टी बार्क देगा, ये वाले सीन। चलो इसका भी सामान उठा के लेके आते हैं भाई। आज मुझे लग रहा है आज हम पूरी की पूरी बेस कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि हमने जो पहले से बना रखा था वो कुछ मिस कर रहे हो। अब तो भाई अगर कुछ नया ही खुलेगा तभी बनेगा फिर वो। हाँ भाई, अब इसके लिए हमें चाहिए दो बैक्टीरिया। भाई फिर से पानी वो पी लेते हैं, याद आया भाई, इतना सारा पानी हो गया हमारे पास। पानी से ये याद आया कि हमें बीन्स का सेटअप भी करना है, मैंने बीन्स का सेटअप करके नहीं रख रखा। बीन्स का सेटअप थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। एक बार ज़रा मैं इधर आना चाहूँगा, इधर आके मैं ये चेक करना चाहूँगा। ये बहुत सही जगह लगी है भाई, ये कंप्यूटर स्क्रीन बहुत ही सही जगह लगी है। हाँ, हमारा टीयर टू का म्यूटेजन जो है वो यहाँ पे लॉक है, इस वजह से हमारा वहाँ पे दिखा नहीं रहा है। हमारे भाई ये सारी चीज़ें खुल गई हैं, वेरी वेरी नाइस। ऊपर वाला भी डिपार्टमेंट हमने सब खोल लिया है, नीचे वाले डिपार्टमेंट अभी बाकी है। ये क्या है, फिश फार्म। ओ, हम अपने अंडे फार्म कर सकेंगे भाई इसके बाद, वेरी वेरी नाइस। ठीक है जी, अब हम लग जाते हैं वापस से टीयर टू के बायोडोम सेक्शन पे। बायोडोम सेक्शन के लिए हमें बैक्टीरियस मांगते हो, द बैक्टीरियस वेयर इज द अर्थ यू। बेस बनाने का यही एक वो होता है, आप जैसे मेरे को बैक्टीरिया चाहिए था, ठीक है, अगर हम पहले से ही बैक्टीरिया का सेटअप करके नहीं रखते तो हमें ये बैक्टीरिया नहीं मिलता भाई जब हमें बनाना होता। तो ये सारी चीज़ें इन दी एंड हमें गेम कंप्लीट करने में मदद करेंगी, जितना पहले बनाएंगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। हमने क्या किया, हमें ज़्यादा चाहिए था भाई, एक दो तीन चार, हमें दो बनाने हैं ना, तो दो के हिसाब से उठा के लेके चलते हैं। बैक्टीरियाज वेयर इज द अर्थ यू। अब अभी तो रखे थे हमने बैक्टीरिया, हमने वापस से यहाँ से उठा लिए। ठीक है जी, बैक्टीरिया उठा लिया, सल्फर अब हमें
दो चाहिए। सल्फर कहाँ पे है ये भी एक अच्छा वो है भाई, सल्फर मंगवा भी रहा हूँ मैं, एक बार चेक कर लेते हैं कहीं सल्फर, क्योंकि अभी तक मैंने उठाया नहीं है सल्फर। सल्फर हम सल्फर ही नहीं मंगा रहे, ऐसा हो नहीं सकता यार कि हम सल्फर मंगा नहीं रहे। इधर तो बैंगन पेंगुइन पड़ा है, बैंगन के साथ हम एक बार जरा इधर आए, इधर आके मिसलिनियस हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे सुपर अलॉय वाला सिस्टम हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे ये रहा ना सल्फर, ऐसे कैसे कि हम सल्फर नहीं मंगा रहे भाई, सल्फर मंगा रहे हैं हम और सल्फर हमने उठा लिया। बेस नया है, हमें आइडिया नहीं है कि हमने कहाँ पे क्या क्या बनाया था। अब सेम तरीके से हमने क्या करना है, अगर ये मुझे बनाने दे, बनाने दे यार, बनाने नहीं दे रहा भाई, इसका मतलब कुछ तो लोचा रहा है। एक बार लोचे से मिल के आ, क्या लोचा कर रहा हो भाई। अरे भाई तब सही मैंने सोच के बनाया था, बनाने दे यार। यहाँ पे क्या, अगर ये मुझसे कहेगा कि लगाने नहीं दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ए भाई आई सी इसी मजाक सा ना करो, आई मजाक कर दिया इसने, दिल पे लगाया मजाक। ये मजाक तो अच्छा नहीं किया तुमने। अगर हम इसको इस तरह करें, हाँ इधर लग रहे हो, मुझे लग रहा है साइज में हल्का सा बड़ा हो गया, इस वजह से शायद दिक्कत दे रहा है। ठीक है जी, अगर हम बायोडोम वाला जो सेक्शन है, जो बायोडोम अभी अभी हमने बनाया था, टियर वन वाला जिसमें कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स इस वाले में भी कंप्यूटर होता है क्या, एक बार चेक कर लें ऊपर से। इसमें कंप्यूटर नहीं होता भाई, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें वो मिलेगा, टी बार्क मिलेगा, और यहीं से मछली दिख रही है। अरे बहुत ही सही, सही है, हो जाएगा बन जाएगा। अगर नहीं बनेगा फिर हम अपना दिमाग और लगा लेंगे, कहीं ना कहीं तो बना ही देंगे। टियर टू से पहले मुझे ये बना दो एक, ठीक है जी। ये भी सही है। हमने ये यहाँ लगा दिया, और यहाँ लगाने के साथ साथ अब हमने क्या किया, हमने टियर टू का ये एक सुपर अलॉय से हम रह गए। जल्दी से हम एक सुपर अलॉय लेके आते हैं और फिर इस वाले सेक्शन को भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है जी। हम यहाँ आए, आने के साथ देखो यहाँ से हमने उठाया सुपर अलॉय, और दो ही आ जाओ भाई, क्या पता आगे और लग जाए, और ऊपर से ही बनाएंगे क्योंकि नीचे से हमें बनाने नहीं देता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इससे हमें मिलेगा टी बार्क, आगे जाके हमें टी बार्क्स लगेंगी, तो अभी तक हम उगा नहीं रहे टी बार्क, वहाँ वाले मैंने डिलीट कर दिए हैं। और डिलीट करना साथ आई से करके कुछ तो लग जाओ, अभी तो लग रहे थे तुम, ऐसे करके हमने कर दिया सेटअप कंप्लीट। और कंप्लीट के साथ आए, बस जरा मेरे को यहाँ से दिखा दो, सही लग रहा है भाई, सही लग रहा है, ऑलमोस्ट इक्वल लग रहा है सब कुछ, ठीक है बढ़िया है, अपने को चलेगा। एक बार जरा अंदर से टूल लेके आते हैं और देखते हैं कि अंदर से कैसा लग रहा है भाई। एक्वेरियम तो उस साइड का भाई मज़ेदार लग रहा है। हम यहाँ आए, देखो हमें चाहिए होगा यहाँ से, हम यहाँ से उठा लेंगे ये टी बार्क, जब भी हमें चाहिए होगा यहाँ पे हम दो टी बार्क से लगा के आएंगे। और एक काम करेंगे, हम इसको सप्लाई पे डाल देंगे, जो भी बना रहे हैं साथ साथ हम सप्लाई भी डालते जाते हैं कि भाई यहाँ से टी बार्क जब बनेगा तो तुम सप्लाई कर देना, यहाँ से टी बार्क जब बनेगा तो तुम सप्लाई कर देना। यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि कहाँ पे हमारा क्या क्या चीज़ बाकी है खुलने के लिए, फिर हम यहाँ से अगर हमारा मन करेगा हम आगे चल देंगे, हम देखेंगे मछली जल की रौनी है, और उसी के साथ साथ हम वापस से पानी पीने के लिए इधर आ जाएंगे जब भी हम पानी और खाना खाना पड़ेगा। ये है हमारी पहले गेम की नॉलेज जो मैंने इस्तेमाल करके इसमें यूज़ की है, पहले वाले प्लैनेट को कंप्लीट करके भैया जो नॉलेज गेन की थी उससे हमने ये बढ़िया सेटअप किया है। 1% पर हमारा वो खुल जाएगा भैया, कुत्ता बिल्ली खुलने वाला है बहुत ही जल्दी। और कुत्ता बिल्ली से मुझे याद आया कि हमें बना लेना चाहिए अपना, ये भी तो रह गए हमारे, ये नहीं बनाए हुए मैंने अभी तक, ये भी ज़रूरत पड़ेंगे। बट इनसे पहले मैं सोच रहा हूँ एक ज़रा घूम के आया जाए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ बीच बीच में भाई आप बोर हो जाओ, उससे बढ़िया मैं थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ से हम प्लैनेट खोलेंगे और दूसरा कहीं लूट लाट के आ जाएंगे। जल्दी से एक बार ज़रा खुल जा सिम सिम कर दो, और खुल जा सिम सिम के साथ साथ मुझे बताता है डिफ़िकल्टी ये, और एक काम और करते हैं, और हायर डिफ़िकल्टी जाना चाहूँगा मैं, जैसे कि रियलिटी 5, ये बढ़िया है, ये वाला बढ़िया है। हम एक बार ये कर लेते हैं, एक हमें ग्रीन चाहिए, 3 हमें पर्पल, 3 मतलब पिंक, 3 पर्पल और 1 ब्लू, 3 पर्पल, 3 पिंक, 1 ब्लू, 1 हरा। जल्दी से हम यहाँ आए, एक कॉर्ड्स वाला सेक्शन मैंने बनाया था, ये हमारा कॉर्ड्स वाला सेक्शन है। हम इधर आ गए, इसको सॉल्व किया, एक ऐसे 3 हमने ये उठाए और 3 हमने ये उठा लिए, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, अब हमने थोड़ी सी चीज़ें करनी है, हमने एक तो एक्स्ट्रा सामान जितना भी है हमारे पास वो सब यहाँ पटक देना, ठीक है भाई। बीच बीच में अपना आप ये सॉर्ट होता रहेगा जहाँ जहाँ इसको जाना होगा। और उसी के साथ हमारे पास पानी हो गया, यहाँ पानी पी लेते हैं, एक पानी एक खाना हमने रख लिया। एक काम करो भाई, इधर को आओ, इधर आने के साथ बैगन खिला दो, बैगन्स, अरे बैगन्स,
भाई क्या खेती कर रहे हैं हम? जबरदस्त बैगन की तो खेती कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हमें और भी चीजों की खेती करनी पड़ेगी साइड साइड में। यहाँ मैं सोच रहा हूँ यहाँ ऐसे करके लगा देंगे तो मजा सही आ जाएगा। चलो पहले पोर्टल खोलते हैं। पोर्टल के साथ एनिमल्स का शेल्टर्स खुल गया है हमारा। एनिमल शेल्टर्स भी बनाएंगे बेटे। एनिमल फीडर भी खुल गया है हमारा। वेरी वेरी नाइस। हमने पोर्टल भी खोल दिया है। और पोर्टल खोलने के साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ जो हम लेके जाना चाहेंगे जो कि मुझे अभी बहुत जल्दी याद आ गई है, हमें बहुत ज़्यादा मदद करेगी वो चीज़ रहेगी। मिसलिनियस में पड़ी होगी। एक बार मिसलिनियस में आते हैं। मिसलिनियस में आने के साथ हमने ये उठा लिए। हमें तीन ये चाहिए। वैसे तो तीन लगते नहीं है बट फिर भी हम उठा लेंगे। तीन ये उठा लिए और एक ये उठा लेते हैं बस। और मुझे नहीं लग रहा कि अब हमें एक चीज़ एक्सप्लोजिव चाहिए होता है। चलो एक लेके ही चलते हैं। एक वैसे एक्सप्लोजिव ना पिछली बार जब हम गए थे तो हमारा काम नहीं किया था भाई। को हल्का सा ग्लिच व्लिच हो गया होगा वो प्लैनेट। हमने बहुत कोशिश की थी एक्सप्लोजिव फोड़ने की तो वो फूटा नहीं था। कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि लेफ्ट क्लिक करो राइट क्लिक करो। भाई मैंने तो मिडिल क्लिक भी कर दिया था भाई। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया था। आपने देखा नहीं होगा वीडियो तो आपने चेक करो भाई। हमने सारे क्लिक किए थे और क्लिक के साथ साथ वो काम ही नहीं किया था। बार बार उठा रहा था वो। उसी के साथ हम एक ऐसे वाले प्लैनेट पर और जिस पर लगी हुई है ऑक्स। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। ऐसा लग रहा है मस्त मौसम हो रहा है। गर्मी गर्मी सी लग रही है। आते ही ऐसा लग रहा है मई जून के मौसम में आ गए हैं। और उसी के साथ साथ हम ढूंढने की कोशिश करेंगे शिपरेक्स, शिप्स, ताराक्स। गजब स्पीड पकड़ ली हमने। एक्वेरियम बनाया ना उसमें वो सारी चीज़ें लगाई तो हमें बढ़िया बढ़िया चीज़ें मिलनी शुरू भी हो गई। बाकी इतनी ज़्यादा फ्लेयर्स मुझे अभी चाहिए नहीं तो हम उठाएंगे नहीं फ्लेयर्स। हम बहुत सही जगह आ गए हैं। पहली शिप रैक पे आ गए हैं। पहली शिप रैक पे अंदर चलते हैं और चेक करके आते हैं भाई। कुछ लोगों ने मेरे को बोला था कि हाँ टेलीपोर्टर लगा के देखो भाई। मैंने पिछले वाले गेम में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया था तो उसमें तो लगता नहीं था। कोई भी चीज़ हम शिप में नहीं बना सकते यहाँ अंदर। और टेलीपोर्टर वो जो पोर्टर है वो टेलीपोर्टर ही तो है भाई। वो जो पिंक पिंक से ये जो दिख रहा है वो टेलीपोर्ट ही तो करता हमें। ठीक है जी, हम यहाँ आए। आने के साथ एक काम करते हैं। सबसे पहले तो हम इधर इधर भी नहीं, एक काम करो ये इधर 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 डालना पड़ेगा हमें। हम यहाँ पे ऐसे करके एक ये छोड़ देते हैं और इस पर हम कलर चेंज कर देते हैं। इसका कलर कर देते हैं हम ग्रीन्स। अरे ग्रीन्स हो जा भाई, ग्रीन हो जा। ग्रीन का मतलब हम यहाँ से एग्जिट ले सकते हैं। एक और छोड़नी पड़ेगी क्योंकि जिस हिसाब से जल रही है उस हिसाब से पता नहीं चल रहा। ठीक है जी, यहाँ और रोशनी की कमी। रोशनी हमने जला ली और उसी के साथ साथ एक बार ज़रा चेक किया बढ़िया तरीके से कि क्या क्या है। ठीक है जी, आते ही हमें पीछे की तरफ जाने के लिए कहा जा रहा है जो कि भूल भुलैया टाइप सी लग रही है। अरे भाई अब कहाँ को निकाल दिया ये ये एक जगह है जो खुल सकती है अगर हम यहाँ पे फ्यूजन जनरेटर वाला जो लेके घूम रहे हैं उनको ऑन कर लें। ये तीन दरवाजे लग रहे हैं भाई, ये तो फुल दरवाजे लग रहे हैं जो कि खुलेंगे। यहाँ से क्या सीन है? ये भी हमें बाहर निकाल रहा है कहीं? ये हमें कहीं और, ओ भाई कहीं और यार आज घूम जाऊंगा मैं। आज मैं बहुत तगड़ा घूमने वाला हूँ भाई। आज तो मुझे लग रहा है जिस टाइप से ही, क्योंकि जितनी ज़्यादा रेटी हाई और डिफ़िकल्टी हाई होती है ना उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। डिफ़िकल्टी हाई से डिफ़िकल्ट हो जाती है। रेटी हाई से रेयर रेयर चीज़ें मिलती हैं। कचा भी शिप का डिज़ाइन है, डिज़ाइन ज़्यादा है और हमें मिल कम रही हैं चीज़ें। ठीक है जी, हमने वो चीज़ें उठानी हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमें इम्पॉर्टेंट लग रही हैं। फालतू चीज़ों बिल्कुल नहीं वेस्ट करना भैया। इन्वेंट्री बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम हमारी। और इन्वेंट्री अगर हमने मैनेज करनी सीख ली तो हमने गेम सीख लिया। अगर हम भाई उल्टी सीधी चीज़ उठाएंगे अपनी इन्वेंट्री फुल कर लेंगे और वापस से बार बार जाएंगे और बार बार आएंगे उससे टाइम वेस्ट होगा। ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं करेंगे हम। बट ये ना ये वाला सेक्शन जो है ये मैं तीसरी बार देख रहा हूँ, अच्छी बात नहीं है ये। थोड़ा सा नया सेक्शन भी बनाया करो। ऐसा लग रहा है डेवलपर्स ने काफ़ी ज़्यादा लेजी टाइप हो गए हैं। हम यहाँ आए। आने के साथ एक बार इस डब्बे में चेक कर लेते हैं। डब्बे को हमने कर लिया है यूज़ और अब अगर नेक्स्ट डब्बा मिलेगा तो उसमें से हम एक जैसे कि ये पड़ा है। वेरी वेरी नाइस, हमने ये निकाला। ये तो चाहिए था हमें। 1200 का प्लांट मिल गया, ये निकाला। और हम क्या करेंगे यार, इतने अभी डिलीट कर रहा हूँ जो मैं, वो कहाँ जा रहा है? उसका तो आयरन बनना चाहिए ना, आयरन क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? स्ट्रेंच। अगर हम देखो ऐसी जगह पे एक्सप्लोजिव मत यूज़ करो, ठीक है? ये अगर हम यहाँ एक्सप्लोजिव यूज़ कर देंगे तो हमें वही निकालता भाई यहाँ।
तो सोच समझ के हम एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो यूज करेंगे। हमें एक और एक्सप्लोजिव मिल गया, 1000 ये मिल गए, ये उठा लिया, ये हम बना सकते हैं अभी बेस में। म्यूटीजन पर्पल वाले की अभी हमारी रेसिपी खुली नहीं है इसलिए मैं उठा रहा हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा ऊपर वाला मामला है। ठीक है जी, ये उठा लिया अभी के लिए, ये उठा लेते हैं। ऑप्सीडियन नहीं उठा रहा, ऑप्सीडियन की हमने टीयर 3 की एक्सट्रैक्शन लगा रखी है, तो जब भी हमें ऑप्सीडियन की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ से मंगा लेंगे। हो गया यहाँ का हो गया, और हम चल रहे हैं इस तरफ। ठीक है भाई, इस तरफ एक बार इस तरफ भी चेक कर लेते हैं। उस तरफ से हम नीचे आ गए, हम वापस आ गए जहाँ से हम गए थे ऊपर, और अब हम नीचे चलेंगे। अब हम उस फ्लोर पे हैं जिस फ्लोर से हमने स्टार्ट किया था, ये बात बहुत ज़रूरी है याद रखनी। अगर हम यही बात भूल जाएंगे तो फिर हम निकल नहीं पाएंगे बाहर पार फिर भाई तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो यहाँ से अगर हम जाएंगे तो हम यहाँ से बाहर जा सकते हैं, यहाँ से भी ऊपर जा रहा, ऊपर तो अभी हम होके आए थे। ओके, यहाँ से हमें आगे जाने के लिए एक्सप्लोजिव यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ एक बार यूज़ करके देखते हैं और चेक करते हैं भाई एक्सप्लोजिव जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एक्सप्लोजिव अब काम कर रहा है भाई। देखो हमें आता है एक्सप्लोजिव काम करना, हम पहले भी यही कर रहे थे बट पहले ये काम नहीं कर रहा था पहली वाली शिप पे हमारे। ठीक है जी, ओ वेरी नाइस, उधर भी एक एक्सप्लोजिव, ये भी है, और बहुत ही सही भाई, ये तो बहुत दिनों बाद देखी हमें। इसके लिए हमें कार्ड चाहिए होते हैं जो कि हमें मिल गए। हमने यहीं के यहीं लगा और खुल जा सिम कर लिया, और 3 बड़ी बड़ी शानदार अलमारियां मिल गई हैं जिनको हम लूटने वाले हैं। फिलहाल के लिए तुम आ जाओ ठीक है, और ऑस्मियम रॉड्स भी उठाई लेते हैं। ठीक है जी, ये उठा लो और ये उठा लो अभी के लिए। इसमें हमने ये चाहिए, ये तो बहुत चाहिए भाई, ये इस पे ध्यान देंगे क्योंकि ये ट्रेड सिस्टम है और ये यूनिक स्किन के पैटर्न्स हैं जो कि हमें ऐसे ही जाके मिलेंगे। ठीक है जी, हमने यहाँ से ये उठा लिया सब कुछ, ये उठा लिया, अब हमें आगे जाके और भी थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। हल्की सी सामान मुझे लग रहा है मेरे को रखना पड़ जाएगा क्योंकि हम ऑलमोस्ट फुल हो चुके हैं। यहाँ से अगर हम जाएंगे तो बाहर को चले जाएंगे, इधर आएंगे, इधर आने के साथ साथ हमने एक ये डाला, इसको गॉडलेट बटन दबा दिया, इसको डीकंस्ट्रक्ट किसने रख रखा था अय्या। ठीक है जी, हमने ये किया, हमने डीकंस्ट्रक्ट पहले हटाया और फिर उसके बाद हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, और थोड़ा सा पीछे हो गए क्योंकि अगर ये फटेगा तो हमारी हेल्थ भी जाएगी भाई। ये तो हम वहीं आ गए, नई जगह आने के साथ साथ लिरमा सीट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ आके हमें अपने आप से पूछना है, क्या हम ऐसी चीज ऑस्मियम की रॉड थोड़ी सी अगर यहाँ पटक के ये उठा लें तो ज्यादा बढ़िया है। रॉकेट के इंजन भी वैसे मैं उठाने की सोच रहा हूँ। रॉकेट्स के इंजन की जगह हम क्या गिरा सकते हैं जो रॉकेट का इंजन उठाए। हमने एक ये खा लिया, हमने ये पी लिया और 2 रॉकेट के इंजन उठा लिए। ठीक है जी, अब हम यहाँ आए, इधर एक बार जरा चेक, हल्लू के साथ अब गिराना नहीं, और गजब भाई गजब, उठाया था मैंने उठाने की जगह ये तो भाई गजब ही किया यार, ये सब मेरे में ही टैलेंट है, ये और कोई नहीं कर सकता भाई, ये स्पेशल टैलेंट है। हमें ग्रीन वाला पाउडर चाहिए, हमने उठा लिया। एक बार इधर को आके चेक किया, ये तो ऊपर जा रही है, ऊपर नहीं जाना, पहले नीचे ही लूटना है। आहूँ लूट के सब कुछ जाऊँगा, ये वाली सेक्शन लूट लिया है, ये वाली सेक्शन बाकी है इस पे। ओ यहाँ एक्सप्लोजिव मांगता है और हमने एक्सप्लोजिव जो है वो गलत टाइम जगह यूज कर लिया, यह तो नुकसान कर लिया भाई हमने अपना। ओ यहाँ तो हमें आना चाहिए था, यहाँ पे हमें आना चाहिए था। एक काम करो, यहाँ पे हम ये ऐसे करके ये डाल दो भाई, यहाँ पे हमें याद रहेगा कि यहाँ कुछ तो है जो हम भूल गए थे। एक्सप्लोजिव, चलो एक काम करते हैं, हम बाहर की तरफ ही हैं, जल्दी से फुल वैसे ही हो गए, हम जल्दी से एक काम करेंगे, हम पोर्टल पकड़ेंगे, पोर्टल पकड़ने के बाद जितना सामान है वहाँ हम पटक के आ जाएंगे और फिर वापस से आके कोशिश करेंगे इनको लूटने की, और ज़्यादा लूटने की, क्योंकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट ठीक है जी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट खेलते खेलते थोड़ा सा अगर हम इतने पास हैं तो यूज़ कर लेते हैं इसको, ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा हमें। ए बेटे ये भी चमक रहा, ऐसे कैसे चमक रहे हो, ये पर्पल सा क्यों चमक रहा है दूर से, ये तो खाली कर दिया था हमने, ये खाली कर चुके हैं। और यहाँ पे हम एक बार ज़रा इसके अंदर चलते हैं, बेस्ट पार्ट ये रहती है इसकी कि जब तक हम चाहेंगे तब तक ये खुला रहेगा। मैं जा भी रहा हूँ, मैं आ भैया आ जल्दी, एक इसके साइड में भी हमें यहाँ पे वो लगाना चाहिए,
एक अलमारी ये वाली लगानी चाहिए जो कि हम बहुत जल्दी लगा देंगे अगर हम यहाँ पहले तो सारी की सारी चीज़ें ये डाल देते हैं। हमने अभी अपने लिए ये उठा लो, इससे पहले ले जा बड़े चिरान रखे हैं आज। ओ कौन सा हमला? पल्सर कॉर्ड्स का हमला, गलत टाइम पर पल्सर कॉर्ड्स का हमला करते हो। ओ भाई अच्छा ये वो है ये मुझे लगा पल्सर कॉर्ड के साथ पीला पीला हमला भी कर दिया कोई। ठीक है भाई ये भी लूट के जाएंगे, ये तो लूटेंगे भाई, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। थोड़ा जल्दी आ जा भाई, आज में लूटना है। अरे जल्दी आ जा, कल को पनवेल निकलना है। पनवेल से याद आया भाई, मैं बता दूं कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपको मराठी आती है क्या। भाई मुझे मराठी आती नहीं है। वेरी नाइस बट मैं मुंबई में काफ़ी टाइम तक रुका हूँ, मैं 7-8 साल मुंबई रुका हूँ भाई। तो अपन भाई मस्त, अपन को सारी जगह पता है, सारे खाने पता है मुंबई के ऑलमोस्ट। ठीक है जी, तो मुंबई से अपना टच है। इंडिया में भाई मैं बहुत जगह पे रुका हूँ, दो तीन साल के लिए मैं डिफरेंट जगहों पे रुका हूँ। नॉर्थ इंडिया मोस्टली मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है। ठीक है जी, तो इसीलिए कभी मैं कुछ किसी एक भाषा का इस्तेमाल करता हूँ, कभी कुछ ना कुछ थोड़े बहुत वर्ड्स जो हैं वो निकल जाते हैं। थांबा मैंने बोल दिया होगा कहीं, तो माइंड भी ऐसा लग रहा होगा आप लोगों को कि मेरे को मराठी आती है। काय करता हूँ, जल्दी से एक काम करते हैं, हम ऊपर चलते हैं। ऊपर चलने के साथ यहाँ आते हैं, मराठी सीख लेनी चाहिए थी यार, मन बहुत था मेरा मराठी सीखने का लेकिन भाई टाइम ही नहीं मिल पाया, जॉब में इतने ज़्यादा बिजी थे। अरे गलत जगह आ गए, ऐसे नहीं जाना था। चलो एक काम करते हैं, वापस से अपने न्यू बेस चलते हैं। न्यू बेस में आने के साथ, यहाँ आने के साथ ठीक है, इतने सारे ज़बरदस्त आ गए भैया। और एक जो मुझे भाषा बड़ी सही लगती है, वो लगती है हैदराबादी। मेरे को हैदराबादी सीख लिया यार, हैदराबादी बैगन में मिला देंगे। बैगन कहाँ, बैगन खा लेंगे। इसी बात पे हमने बैगन खाया और हमने पानी पिया, पानी था जाओ भाई, पानी पिया। और पानी के साथ साथ एक्सप्लोजिव्स पे उठा लें, एक्सप्लोजिव हमने यहाँ से उठाया। मुझे लग रहा है एक एक्सप्लोजिव काफ़ी रहेगा, दो ले चलते हैं। चलो ठीक है, हमने पहली बार लेके जा रहे हैं अपनी जेब से, वैसे तो जनरली वहीं के वहीं मिल जाते हैं, बट हाँ इस वाले सेशन में जो मैंने पोर्टल खोला हमने थोड़ा सा ध्यान दिया, मैंने सोचा अपने ही लेके जाते हैं भाई, इतने इकट्ठे करके करूँगा क्या। आ जाओ भैया, आ जाओ, जरा चल के जरा इनको यूज़ करके देख के आए कि उस जो एक्सप्लोजिव वाला सेक्शन बना रखा है उसके पीछे है क्या। अब प्रॉब्लम ये होगी, हमें ना यार कंपास बना के लगा लेना चाहिए था। कंपास से ये पता चलता हमें कि हम सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे। वैसे तो मुझे ये पता पहले तो था नहीं यहाँ पे, ये ऐसे कैसे करते हो, ऐसे मत करो। आगे चल के देखते हैं, मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में कहीं है शिप, इतना मुझे पता है। इस डब्बे को हमने लूट लिया था, ये डब्बा बिल्कुल ही खाली पड़ा है। और डब्बे के साथ साथ हाँ इधर को कहीं होगा ना, इधर होगा। चलो भाई चलो, चलने के साथ हम इधर को आए, एक बार जरा इस डब्बा में भी देख लेते हैं, एक ये उठा लेते हैं भाई। आगे हमें रोशनी के लिए काम आएगा ये, रोशनी के साथ हम वापस आ गए। हल्लू के साथ जरा अंदर चलने के साथ एक बार जरा मुझे दिखा दो कि फ्यूजन जनरेटर कहाँ पे है, ताकि मैं ये जो फ्यूजन जनरेटर के लेके घूम रहा हूँ सेल्स इनको फेंक सकें भाई। ये भी जगह हल्लू इतने पास ये पड़ा था भाई, सही हुआ कि हम वापस चले गए। और अगर ये इतने पास पड़ा है तो अरे भाई गजब, अगर ये इतने पास पड़ा था तो इसका मतलब यहाँ ये है। एक बार ज़रा और चेक कर ले, ठीक है, और कहीं हमें मिल नहीं रहा। एक ही मांगता है, एक के साथ इसने कैश छोड़ी और इसका पेट को राहत मिली, और हमें भी मुझे लग रहा है अब बहुत सही माल मिलने वाला है। ये भाई क्या अभी भी खुला है का? नहीं, लाइट आ गई है, लाइट के साथ देखो सबसे पहले हम यहाँ पहुँच गए। यहाँ पहुँचने के बाद पहले तो ये यूज़ कर लेते हैं, इससे पहले हम इधर उधर घूम जाए। हमने यहाँ इसको एक्टिवेट किया, रात में ही इसको फोड़ दिया। फूट जा भाई, फूटने का साथ टॉर्च ऑन की और एक नए सेक्शन में आ गए। नए सेक्शन में कुर्सी पड़ी है उल्टी, बस इतना सही था भाई। ये गेम ने हमें उल्लू बना दिया, गेम ने हमारे साथ कर दिया है मजाक। अबे यार ये भी कोई जगह थी। ये ऐसे करके अलमारी रखी हुई थी ना, जनरली इन अलमारी में मतलब ऐसे वाले डोर्स में अंदर बड़ी बड़ी अलमारी होती है भाई। ठीक है एक काम करो भाई, तुम तो आ ही जाओ,
तुम आ जाओ, तुम जरा मेरे को आप बताओ कि खोला ये सेक्शन तो हमने खुद ही खोला था, ये वाला सेक्शन तो हमने खुद खोला है। हम एक काम करेंगे, हम चेक करेंगे कहीं ना कहीं तो होगा भाई। राउंड वाले सर्कल्स जो होते हैं, राउंड वाले जगह वो खुलती है जनरली, ऊपर ही जाना पड़ेगा। ऊपर आए, ऊपर आने के साथ साथ यहाँ आए, ये तो हम बता दें ही ऊपर, इतना ऊपर गए थे क्या? अच्छा ये तो भारी हो गए ना, बाहर आए, इधर आए, इधर के साथ। ठीक है गाइस, हमने क्या किया, हमने कोशिश करके एंट्रेंस जो थी हमारी वो ढूंढ ली है। अब हमें बस सिर्फ ऊपर आना है। ऊपर आने के साथ मैंने क्या किया, जितना भी मुझे सामान वामान मिला जो हम छोड़ के गए थे पिछली बार, वो सारा का सारा उठा लिया भाई, योइंग कर लिया है। बस अब हमें इसमें से थोड़ी सी और वो देखनी है, जगहें देखनी है जहाँ पे ओपन जो चेस्ट पड़े हैं वो लूटेंगे। माइट भी ऐसा हो सकता है सेकंड शिप भी हो सकती है, वो भी देख लेंगे। जनरली अब मैंने ये सोचा है कि एक जो फ्यूजन जनरेटर होता है, अगर हम एक सेल लगा रहे हैं जहाँ, तो एक ही दरवाज़ा खुल रहा है, क्योंकि पिछली बार जब हमने शिप में लगाया था तो हमारा एक शिप से एक फ्यूजन सेल से एक ही दरवाज़ा खुला था। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है ज़्यादा खुले, बट हाँ हमने एक लूट लिया तो हम बाहर आ गए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया वहाँ भाई। बहुत ही ज़्यादा भूल भुलैया है वक्त, ज़्यादा ही भूल भुलैया थी। हमने लेफ्ट वाला सेक्शन जो है वो सारा का सारा चेक कर लिया था, अब हम राइट वाला सेक्शन को एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा राइट सेक्शन में कुछ पड़ा हो। अगर हम इस तरफ को आए, तुम मेरे को ज़रा ऊपर लेकर चलो, ऊपर आ गए, ये हो सकता है कि किसी ऊपर वाले में पड़ा हो। ठीक है जी, इधर आए यार, इधर कम पड़े हैं नीले वाले चेस्ट। हमारे पास पानी है? हमारे पास पानी नहीं है, पानी की थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि इस मतलब इलाके में मुझे वो भी नहीं दिख रहा भाई, कहीं तालाब तलूब भी नहीं दिख रहा जिस पे हम डुबकी मार के पानी पी सकें। नहीं भाई नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, कुछ नहीं यार। इस वाले में तो रिकवरी भी नहीं हो भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। हमने जितने कॉर्ड्स लगाए थे उस कॉर्ड्स के हिसाब से तो मिला नहीं भाई। ठीक है, कुछ होती हैं भाई, कुछ ट्रिप्स होती हैं जो हमें ज़्यादा दे देती हैं, और कुछ ट्रिप्स होती हैं जो हमें लूट जाती हैं। ये सेम वाली शिप है, एक बार चेक कर लेंगे, लग तो वही रही है भाई। अगर नीचे हमारे एंट्रेंस से, हाँ वही शिप लग रही है, अब वही शिप है भाई, वही शिप है। चलो यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ का हो गया एक, थोड़ा हमारे लिए नहीं था भाई ये वाला जो रैक था इसने हमें लूट लिया है। बदले में इसने हमें थोड़े बहुत टेरा टोकन्स दिए हैं, जिसका हम इस्तेमाल करके अभी चीज़ें मंगा लेते हैं। चलो भाई यार, बस ज़रा मेरे को बेस आने दो वापस से, मैं सोच रहा हूँ अपने लिए कुकिंग वाला जितना सिस्टम है वो भी मंगा लिया जाए, और हल्की बहुत थोड़ी बहुत फार्मिंग भी करनी स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हनी वनी खुल चुका है जिससे मैं बना नहीं रहा हूँ कुछ भी भाई, लगना पड़ेगा, बहुत पीछे चल रहे हैं हम। इधर आए आने के साथ साथ दो भाई साहब कुछ ज़्यादा ही ज़बरदस्ती एनिमेशन करते हुए, हाँ भाई ए हल्लू, कुछ ज़्यादा ही ड्रोन्स डाल रखे हैं क्या हमने? एक ड्रोन और अगर हमने यहाँ से उठाया, चलो ये भी सही है, हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे इतने ही ड्रोन्स की रिक्वायरमेंट है। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। हम एक काम करते हैं अभी के अभी ही, सबसे पहले हम इधर आए, इधर आने के साथ नहीं, चलो इधर नहीं डालते ये, पहले तो मैं सबसे पहले अपने लिए एक और ड्रोन स्टेशन बनाना चाहेगा, ताकि हमारी ये जो दिक्कत है ड्रोन्स वाली ये सॉल्व हो जाए। ओ सर्किट बोर्ड से भी हमें कमी पड़ने वाली है, सर्किट बोर्ड, एक दो तीन सर्किट बोर्ड उठा। ओ बहुत सही, हमें फ्यूजन जनरेटर जो सेल है जो हमारे पास पड़ा है वो यहीं के यहीं यूज़ हो जाएगा। कद्दू खा लो, कद्दू के साथ पानी पी लो, पानी, अरे वाह इतना सारा पानी देख कर दिल खुश हो गया। ये इतना सारा जब देखता हूँ ना मैं, तब मुझे लगता है अचीवमेंट, तब मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई मैंने कुछ तो किया है जो सही जा रहे हैं, ताकि हमारे जो इतने सारे फुल जा रहे हैं। और अगर मैं इसको दोनों को एक साथ ही रखेंगे ऐसे करके बना दें, अगर है ना ऐसे करके बना देंगे, और इस वाले में हम ये सारे रख देंगे। ठीक है जी, सही है जी, सही है, अरे बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ड्रोन सेक्शन हमारा यहाँ हो गया, एक अलमारी हमें यहाँ लगानी है, एक अलमारी हमें यहाँ कहीं लगानी है, जब हम टेलीपोर्टर से आया करें तो उसमें सारा का सारा सामान पटक दिया करें। ठीक है जी, उसमें हल्का सा टाइम है, क्योंकि मेरे को थोड़े से अपने सर्किट बोर्ड जो है वो सेव करके रखने। अगर मैं ये चेक करूँ, यहाँ वाली एक अलमारी खाली हो गई क्या? ये वाली खाली हो गई, इसको उठा के लगा देते हैं। इसको उठा के अगर हम यहाँ पटक दें तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो भाई
यहाँ पे हमने एक अलमारी जो है अलमारी सा लगा दिया, सा आई से करके हमने यहाँ अलमारी लगा दी, और इसको हमने नाम अभी कुछ नहीं दिया, बट हमने यहाँ पे ये कर दिया कि हाँ भाई तुम में जो जो लेके आओ वो तुम डायरेक्ट सप्लाई कर दिया करो। लो भाई तुम्हारी बात भी सुन ली हमने, के तुमने बोला कि सब पे सप्लाई ऑल कर दो, सब पे तो नहीं बट हाँ एक अलमारी और दो अलमारी, इन दोनों अलमारी पे मैंने सप्लाई ऑल कर दिया है, ताकि हम एकदम से आए जेब में और सामान डालें इसमें और वो सारा का सारा सामान चला जाए। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि जनरली जब हम यहाँ जाएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम अंदर आए, अंदर आने के साथ साथ एक बार चेक किया, भाई सब कुछ खोल चुके हैं, हम सब कुछ खोल चुके हैं, ठीक है जी। हमें बस सिर्फ एक एनिमल का फूड का बगता है, वो एनिमल ही नहीं बनाया अभी तक, तो फूड का क्या ही करेंगे। ठीक है जी, अब आ जाते हैं ज़रा एनिमल्स बनाने में। एनिमल बनाने के लिए हमें जेनेटिक ये वाला चाहिए, एक बार ये सारी चीज़ें भी लगानी पड़ेगी। जो डीएनए वाला सिस्टम है ना, ये डीएनए वाला सिस्टम भाई यहाँ होगा, यहाँ इसको करेंगे। सबसे पहले डीएनए मल्टीप्लायर ये जो है जो भी है इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें मांगता है सुपर अलॉयस, आ जाओ किधर हो सुपर अलॉय, ये रहा भैया सुपर अलॉय हमने यहाँ से निकाला। बायो नगेट मांगता है, बायो नगेट हमने यहाँ रख रखी है, बायो नगेट यहाँ से उठाई। देखो ये सारी चीज़ें बनानी है भाई, क्राफ्टिंग करनी है। लाल वाले पाउडर हमने यहाँ से उठा लिए, लाल वाले पाउडर भी बनाने, भाई सब कुछ ही बनाना है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी भाई। जियोलाइट, जियोलाइट इधर आ जाओ, जियोलाइट हमने यहाँ से उठाया, और उठाने के बाद हमने यार जियोलाइट उठाने के बाद मुझे एक चीज़ याद आई, जैसे जैसे याद आया ना वैसे वैसे कर लो वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। हमने एक बार ज़रा डुक क्लब गए, डुक क्लब आने के बाद एक बार, हाँ डुक क्लब आने के बाद हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी भाई, सही है कर लेते हैं, अच्छा वो याद आ गया। आए कैसे हो, हम यहाँ आए आने के साथ, ओ ये भी सीन है, इसको भी करेंगे। यहाँ पे हमें टीयर थ्री के लगाने हैं भाई, टीयर थ्री के एक्सट्रैक्टर लगा दूंगा और फिर उसके बाद इन पे कमांड दे दूंगा, ताकि जो ड्रोन हमारे वहाँ मज़े ले रहे हैं ना भाई, वो ज़िंदगी के वो आराम कर रहे हैं, उनको भी ओ ये भी तो उठा के मेरे को चेंज करने सब करना, वहाँ बहुत काम करना है। उनको आराम नहीं होगा जब वो फ्री टाइम बैठे हुए होंगे, तब शिफ्टिंग करेंगे, शिफ्टिंग करेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, इन पे सप्लाई दे जाते हैं कि भाई यहाँ पे अगर सामान भर गया हो तो यहाँ से निकाल के ले जाओ। इसमें जो है ये हमारा जियोलाइट का सेटअप है, इधर आए जियोलाइट पे, और जियोलाइट को फुल चल रहा है, जियोलाइट पे भी हमने कमांड दे दी, जियोलाइट्स वेयर आर यू, ये रहा जियोलाइट, जियोलाइट पे कमांड दे दी, जितना भी यहाँ पे फुल हो जाए उसको उठा के ले जाओ भाई, बेस पे ले जाओ, पहली फुर्सत में लेके जाओ। साथ साथ यहाँ यूरेनाइट का भी हमने वो बनाया हुआ होगा डिपार्टमेंट, एक बजर हम वो नहीं लेके आए ना, हाँ मैं प्लांट्स का सोच रहा था। इस बार इधर हम जंगल जो है ये जो बनाया हुआ है जंगल, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ प्लांट्स जो हैं ये वाले जो प्लांट्स हैं ये काफ़ी कम वाला वो डिपार्टमेंट है। ये भाई अच्छा ये तो वही पड़ा था, ये ऐसे पड़ा हो, ओ भाई ये हमारा खुद का जंगल है, खुद से बनाया हुआ जंगल, बहुत बहुत मेहनत लगेगी भाई यहाँ ढूंढने में कौन से में कौन सा प्लांट लगा हुआ है, हमें ये भी चेंज करना है। हम यहाँ आए, हमने आने के साथ साथ कहा कि यहाँ से भाई यूरेनाइट जो है यूरेनाइट को उठा लिया जाए, यूरेनाइट यहाँ से उठाया जाए। एक बार डुक क्लब चलते हैं, ये जो क्रशिंग वाला सीन है, जो क्रशिंग कर रहे हो तुम, इसको मैं सोच रहा हूँ इसको ना अभी यहाँ से हटाए नहीं हम, इसको और बल्कि और बढ़िया चीज़ ये चीज़ कर सकते हैं कि भाई तुम्हें भी डिमांड कर दें, बट हाँ अगर मैंने इनको डिमांड कर दी ना तो फिर मेरे ड्रोन्स यहीं मंडराते फिरेंगे। नहीं क्रशर को भी हम अपने बेस पे ही लेके चलेंगे भाई, बेस के पीछे कहीं एक इनका भी डिपार्टमेंट बनाएंगे। ठीक है जी, यहाँ का हो गया, यहाँ का होने के साथ एलगी, एलगी ओ बेटे एलगीस एलगीस, चलो भाई एलगी आज तुम्हारा भी वक्त आ गया भाई, एक काम करो। अच्छा हम इसको वो भी तो नहीं कर सकते, पहले हमें ये सारे का सारा उठाना पड़ेगा। चलो भाई आ जाओ, बढ़िया बढ़िया तरीके से, बढ़िया बढ़िया तरीके से आने के साथ, वेरी नाइस वेरी वेरी नाइस। क्या हमारे पास जगह है? हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जगह है, हम कर सकते हैं भाई आज में कर सकते हैं। हमने सारी की सारी एलगी उठाई, उठाने के साथ ऊपर आए बेटे, और ऊपर आने के साथ साथ हमने क्या किया, एक इसको डिलीट किया और दूसरी कहाँ गई, मैंने कहा ऐसे कैसे जादू करते हो, जादू के साथ एक गिरा दिया, पानी पी लिया हमने, पानी पीने के साथ हमने ये उठा लिया, उठाने के साथ एक चीज़ कर दी गड़बड़ जो कि हमने करनी नहीं चाहिए थी, बट ठीक है कोई नहीं, हमने पानी जो पी लिया ना उससे हम रुक सकते हैं। चलो भाई अपने बेस वापस चल रहे हैं, और बेस वापस चलने के साथ साथ ये जो एलगी वाला सिस्टम है इसको भी ज़रा लगा देते हैं।
हम यहाँ आए, आने के साथ हम न्यू बेस आए। न्यू बेस में आने सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ कहीं एक बार चेक करते हैं कि हमने एलगी वाला बना रखा है क्या। नहीं, हमने बना रखा भाई एलगी वाला। ओ बेटी, ओ बेटीज, ओ बेटीज, इतनी एलगी, अरे एलगी का क्या करूँ मैं, अचार डालूँ एलगी का, इतनी सारी एलगी वेस्ट करना भी अच्छा नहीं लगता भाई। एक काम करो, तुम में क्या है, तुम में अभी कुछ नहीं है, तुम में हम ये एलगी रख देते हैं यहाँ। एलगी रखने के साथ हमने एक पानी यहाँ से उठा लिया। पानी उठाने के साथ साथ जरा एलगी वाली जो दो मशीनें हमने डिस्ट्रॉय की थी वो भी पानी पे लगाए आते हैं। यहाँ पे हमने पानी का कलेक्शन दे रखा है, तो एलगी वाली जो सिस्टम है हम यहाँ लगाएंगे। और लेकिन अगर मैं गिरूँगा तो मैं उठ भी तो नहीं पाऊँगा, ये भी तो एक ड्रामा है, क्योंकि अगर मैं नीचे गिर गया ना तो चढ़ने में वहाँ दिक्कत हो जाती है, तो इधर से जाना पड़ेगा भाई। इसको भी रैम सिस्टम को भी कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे को। मेरे को ऊपर पहुँचा दो, मेरे को आज ऊपर पहुँचा दो। वेरी नाइस, हम यहाँ आए, आने के साथ यहाँ हमने फिशिंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ फिशिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे भी तो एलगी यहीं की यहीं लगा देते हैं, उतनी दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, यहाँ हम आए एलगीज, तो एलगीज एलगी कहाँ गया, एलगी 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 ने भी बड़ी दिक्कत दी थी भाई। ये पहले एक खुल गया था, और जहाँ इसमें ये भी तो होता है। चलो एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, दो ही है। वेरी नाइस, हमने दो लगाए। दो के बाद हमने इसमें दे दी कमांड्स। ए भाई, इसमें कमांड नहीं दे सकते क्या, ये क्या सीन है एलगी का। मैं एलगी ऑटोमेटिक उड़ जाती है क्या, ओ ये भी ड्रामा लग रहा है। एलगी को हम ऐसे करके नहीं, पहले कैसे लेके जा रहे थे हम, इतनी सारी एलगी कैसे आई फिर मेरे बेस में, हैंड शॉट करवाई थी क्या एलगी, क्योंकि एलगी का यहां कुछ तो ठीक है भाई। ये भी एक नई चीज हमें पता चली जिससे हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो फिर इसका एक सलूशन ये बन सकता है कि एलगी वाली की जगह पे ही, जैसे यहाँ पे ही हम यहीं पे वो चीज़ें बनाएं जिसमें एलगी लग रही है, और फिर उन चीज़ों को ड्रोन से ट्रांसफ़र करवाएं, है ना भाई। यही एक ऑप्शन बचता है फिर हमारे पास, वरना ये गलत बात है यार, एलगी का तो दे देना चाहिए था इसको मेरे को। एलगी गलत बात करती, एक ड्रोन का, सिर्फ एक ड्रोन एलगी के लिए थोड़ी लगाऊंगा मैं। ओ अगर हम यहाँ से ये भी तो कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ, लेकिन मेरे पास सामान भी तो नहीं है, ऊपर चढ़ना को लेकर मेरे को चढ़ा दे मेरे को। वेरी नाइस, वेरी, अरे बहुत ही सही, बहुत सही। हम यहाँ आए, आने के साथ साथ हम इधर से गए डुन डुन करते हुए आए और अपने बेस वापस आ गए भाई। ठीक है, हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें पता चली जो हमें आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं, और बहुत ही जल्दी हमारा स्टेज पर पहुँच जाएगा। ये वो स्टेज है भाई जिस स्टेज पर हम पहुंचना नहीं चाह रहे थे, बट गेम हमें पहुंचाना चाह रहा भाई। ये वो स्टेज है जिस पे मतलब हम सब कुछ कंप्लीट कर गए हैं, हम गेम को कंप्लीट कर गए हैं, ठीक है जी। क्योंकि इसके स्टेज के बाद और कोई स्टेज नहीं है खुलने वाली। एनिमल्स खुल गए, एनिमल्स बिल्कुल लास्ट स्टेज होती है। टाइम है अभी इसमें 2% ही हुई है, आराम आराम से होने दो। इसीलिए मैं टीयर 5 की सिस्टम नहीं लगा रहा, क्योंकि अगर टीयर 5 की लगा देंगे तो भाई कल ही कंप्लीट हो जाएगी। नहीं, इतनी जल्दी हम कंप्लीट नहीं करना चाह रहे, हम पहले बनाना चाह रहे हैं चीज़ें। हाँ जी, चीज़ों के लिए डीएनए मैनिपुलेटर, डीएनए इज द मैन्यूस द प्लेटर्स। एक बार हम इधर आए, वो ओसीएम का उधर वो भी तो करके आना है। पहले ये लगाते हैं, पटकते हैं, और फिर उसके बाद फिर ओसीएम वाला भी कर देते हैं। जैसे जैसे याद रहेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। एक काम करो भाई, अभी के लिए तुम यहाँ इस टाइप से लग जाओ, ठीक है। तुम डीएनए बनाओगे, डीएनए बनाओगे, क्या बनाते हो तुम, तुम कुछ तो बनाते हो, तुम पेड़ बनाते हो। वेरी नाइस, तुम पेड़ बनाओगे हमारे लिए। और पेड़ एक काम करो तुम, चलो जब बाद में बनाएंगे, यहाँ बनाऊंगा मैं। एक और चीज़ बनानी है जेनेटिक्स वाले, वो भी लगाने। जेनेटिक्स से पहले मैं एक लगाना चाहेगा एक्सट्रैक्टर्स लेवल 3 का, जिसके लिए हम 1, 2, 3 ये चाहिए। 3 के साथ हम इरेडियम्स की रॉड चाहिए, एक इरेडियम की रॉड चाहिए। 2 का ही हिसाब उठा के लेके चलते हैं भाई, जब लगाएंगे तो 2 ही लगा देंगे कहीं। 1, 2, 3, 3 के साथ 2 चाहिए हमें सुपर रॉड्स। सुपर रॉड्स हमने 2 उठा ली यहाँ से। साथ साथ हमें चाहिए ऑस्मियम की रॉड्स, 1 और 2। तो ऑस्मियम की रॉड उठाई, रॉड उठाने के साथ साथ हम इधर को आए, ठीक है जी। अब हमें चलना है पहले तो किधर चलना है, हमें डुक क्लब चलना है पहले।
डुकलब चले इधर आने के साथ साथ जरा इसको डिलीट करके वो ये भी तो सीन होगा कि इसमें से सामान भी तो निकालना पड़ जाएगा जबरदस्ती का। चलो भाई सारा का सारा आया, तुम डिलीट हुए, नीचे नहीं गिरे, बहुत ही सही। हमने क्या किया, हमने एक ये उठाई, उठाने के साथ इसको ऐसे किया, एक और दो, दो लगा दी। दो ऐसे नहीं लगाते भाई, ऐसे बिल्कुल मत लगाओ। एक बार चेक कर लिया इसमें आ रहा है ना, इसमें आ रहा है, बहुत सही आ रहा है। और आने के साथ हमने ऑस्मियम दिया, ऑस्मियम के साथ एक और ऑस्मियम दे दिया है कहीं। वैसे ऑस्मियम की जगह हम सल्फर उठा सकते हैं, इसको हमने डिमांड कर दी कि सल्फर भेजो यहाँ से, जितना भी सल्फर उगाए यहाँ पे डिमांड दे दी कि सल्फर, ओ सल्फर कह रहा हूँ, ऑस्मियम सप्लाई कर दिया यहाँ से, कि मतलब यहाँ से सप्लाई कर देना, डिमांड हम वहाँ पे लगा के आ चुके हैं। दोनों में हमने सल्फर और उसकी ऑस्मियम की सप्लाई कर दी भाई, वेरी वेरी नाइस। हाँ ना जी, इसमें प्रोडक्शन का मॉड्यूल लगा रखा है, इसमें हीट का मॉड्यूल लगा रखा है, तीन सही, तीन सही, बहुत सही जा रहे हैं हम। हाँ जी, यहाँ का हो गया, यहाँ से अब हम चल रहे हैं जरा सा, एक बार ऑब्सिडियन और सल्फर वाले में भी चल के चेक करके आते हैं। इधर आए, इधर आने के साथ साथ इस पर ये चल रहा है, दैट मीन्स सही जगह आ गए थे हम, यहाँ पे हम ये करके नहीं गए। हाँ भैया ठीक है, इसी वजह से हमारी जो बेस थी उसमें सल्फर की कमी चल रही थी। हमने यहाँ दो चीज़ें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और दोनों को हमने सप्लाई कर दिया है ना, सप्लाइज। ओ ड्रोन बिक बिका, और ड्रोन आर्मी हमारी, और यह ड्रोन आर्मी अब उधर चेक करके आएंगे। जल्दी जल्दी आओ भाई, कितनी देर में आएगी और कितनी देर में जाएगी, यहाँ से यहीं खड़े हो जाएंगे, ऐसे करके हाथ हाथ रख के खड़े हो जाएंगे। फुंतरू खड़े हो जा, फुंतरू कह रहा हाँ आ, जल्दी से आओ और लेके जाओ। काफ़ी दूर है भाई, मामला तो काफ़ी दूर सा लग रहा है। ठीक है जी, आजा भाई आज मैं आजा। ड्रोन्स ड्रोन्स द ड्रोन्स, हमारी गाड़ी वहां खड़ी है, ठीक है, ड्रोन्स भी वहीं है। वहां से आने में इतनी देर लगाते हैं भाई, ये तो बहुत ज्यादा देर लगा रहे हैं यार। ओ लेट्स गो, लेट्स गो, ओ क्या स्पीड में लेके जा रहे हैं। अरे जितनी देर में एक बंदा एक ही लेके जा रहा है क्या, अबे दो तीन ले जाओ भाई, इजी पड़ेगा तुम्हें। बहुत सही, बहुत ही सही, गजब गजब भाई गजब। जी जी भाई, अपनी ड्रोन की आर्मी के लिए एक चीज ही तो बनता है। एक बार जरा पानी भी देख लो, पानी के नीचे पीछे कुछ पड़ा तो नहीं है। ये वाली शिप हम लूट चुके हैं, वहाँ पे टीयर 5 के वो ऐसे ही शो पीस के लिए लगा रखे हैं उन्होंने। ठीक है भाई, ये वाला सेक्शन हो गया, वो वाला सेक्शन हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर ही दिया है। इस वाले सेक्शन में नीचे वो है, क्या है नीचे, लावा वाली केव है, जिसको हमने काफ़ी ज़्यादा दो तीन उसमें किया है, तभी तो हम यहाँ पहुँचे थे। बट फिर भी थोड़ा सा और कर लेंगे, पहले हम अभी अपनी बेस वेस कंप्लीट कर लें, एक बार सही से काम फंक्शन वंक्शन करना शुरू कर दे बेस तो हम कर लेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लोरेशन पे भी देख लेंगे पहले, लेकिन बेस का करना भाई, क्योंकि क्योंकि भाई ओह हेलो, एक बार जरा ये तो बनाऊंगा, क्योंकि हम रुके हुए थे कॉर्ड्स के लिए और कॉर्ड्स हमारे पास होने लग गए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो हम एक काम करते हैं, तीन ये निकालते हैं, और तीन ये के साथ साथ हमें चाहिए भैया सुपर की रॉड्स, और तो तीन तीन सुपर की रॉड्स के साथ साथ हम यहाँ आए भाई, बैठ के वाली फीलिंग आएगी, फुल फुल बैठ के वाली फीलिंग आएगी। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने एक यहाँ लगाया और एक हमने ऐसे करके यहाँ लगा दिया। अगर ये ज़्यादा बाहर को लगेंगे, ज़्यादा बाहर को लग रहे हैं, हमने दोनों को ही डिलीट किया। दोनों को डिलीट करने के साथ बस गलत डिलीट मत हो जाना भाई, कुछ उल्टा सीधा डिलीट मत हो जाना। हमने एक यहाँ लगाया और एक हमने यहाँ, अरे अभी लग जा, अरे यार लग रहे थे तुम। ठीक है जी, ये वाला ज़्यादा बाहर को आ गया क्या, पीछे थोड़ा सा एक बार और चेक करके देखते हैं, क्या पता पीछे को हल्का सा और पीछे चला जा यार, चले जाते यार अच्छा लगता हमें। ठीक है जी, ये इसी पे लग रहा है, हमने यहाँ लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जरा मिसलेनियस में चलते हैं, मिसलेनियस। ए भैया मिसलेनियस किधर हो, इधर हो मिसलेनियस। मिसलेनियस में हमने काफ़ी ज़्यादा अपने लिए सूट्स मंगा के रखे हैं अभी तक के, ये पान वाले हमारे पास तीन तीन है भाई। अभी तक के जो जो सूट्स हैं, जो जो मुझे अच्छे लगे वो सूट्स मैं यहाँ लगा के रखूँगा। एक सूट हमने फुंतरू ने पहन रखा, फुंतरू दिखा दो अपना सूट, फुंतरू देखो भाई पीला वाला ये पहन रखा। एक काम करते हैं हम,
बहुत दिनों से पीला वाला पहन के रखे हैं, ये वाला पहन लेते हैं। ये मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा सूट है जो फुल ब्लैक है, हल्का हल्का सा ग्रे की आउटलाइन है। और ये जो तो बनाए हैं हमने, इनमें एक पे ये लगा देंगे वेरी नाइस, और एक में हम ये वाला लगा देंगे। ठीक है जी, दो सूट को हमने यहाँ लगा दिया और बाकी के भी सूट्स हम यहाँ पे ऐसे करके धीरे धीरे करके, अभी ग्रीन जो कॉर्ड्स हैं वो हल्के से कम पड़ रहे हैं, बाद में आके आई से करके यहाँ लगाएंगे, आई से करके यहाँ लगाएंगे। भाई ऐसा पेस, जबरदस्त पेस, जबरदस्त पेस। और हाँ एक चीज़ और, इस पेस का भैया नामकरण भी कर दो, ताकि हम इस पेस पे एक ऐसे करके यहाँ पे ये लगा सकें और हम अपने पेस का नाम रख सकें। इस पेस का नाम अभी तक समझ नहीं आ रहा मेरा, बहुत तगड़ा सा नाम चाहिए भाई। ये ड्यूटी आप लोगों की है, अब मैंने दी आप लोगों की ड्यूटी, जिस नाम पे सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे वो वाला नाम रखा जाएगा भाई। तो पूरी मेहनत करके दिमाग से सोचो और बढ़िया सा एक नाम बताओ। और ये हाँ, हर बार पूछूंगा मैं, हमें ढूंढना ही ढूंढना भाई, कोई ना कोई तो बेटर नाम मिल ही जाएगा। ठीक है जी, इसी के साथ फुंतरू और मैं आप सबसे लेंगे भाई अलविदा। अगर हमारी ये सीरीज अच्छी लग रही हो भाई, दिल से अच्छी लग रही हो, तो लाइक कर देना। मैं रोज़ कोई ना कोई गेम खेलता रहता हूँ और आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरा नाम है बाबा डुक, माई खेलता है वीडियो गेम्स। बाय बाय, लव यू ऑल।